तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप जो है अपने सिस्टम को, अगर आप में पहले से लिनक्स इंस्टॉल है तो या तो आप लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं फिर से, या फिर जो है सो आप विंडोज लिनक्स हटा के विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर लिनक्स इंस्टॉल करना है, ड्यूअल बूट करना है, मतलब कि अगर लिनक्स भी रखना है विंडोज भी रखना है, तो भी आपको पहले ही बता दे, आपको पूरा का पूरा हार्ड डिस्क वाइप करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप कोई पार्टीशन क्रिएट कीजिएगा विंडोज़ के लिए, अगर आप पार्टीशन क्रिएट भी करते हैं तो वो जो पार्टीशन टाइप है ना वो सपोर्ट नहीं लेता है, पता नहीं क्यों विंडोज़ में, ये बहुत लोग को पता नहीं है। और यही मुश्किल आता है कि जिसकी वजह से जो है सो लोग उबुंटू के जगह जो है सो विंडोज़ नहीं इंस्टॉल कर पाते हैं, क्योंकि लैपटॉप जो बना होता है आपका वो बना होता है उबुंटू के लिए, ना कि विंडोज़ के लिए। फिर भी आपको इंस्टॉल करना है ना विंडोज़, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ जाता है, समझ गए। इसलिए आपको पूरा का पूरा डेटा खोना पड़ सकता क्या है? पड़ेगा ही। तो इसीलिए आप डेटा को बैकअप कर लें, कहीं भी जहां भी स्टोर करना है कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है। और आपको दो चीज इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको अगर आपको ड्यूअल बूट करना है तो आपको फिर से उबुंटू इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर आपको सिंगल बूट करना है तो सिर्फ विंडोज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। हम ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं कि मतलब कैसे उबुंटू में विंडोज़ डालना है, बेसिकली बहुत सारा ट्यूटोरियल ऑलरेडी बन चुका है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जनरली जो लोगों को प्रॉब्लम आता है वो ये, अगर आप, हाँ एक बार पहले बता दें, अगर आपको लग रहा है कि ये उबुंटू नहीं है तो बेसिकली ये उबुंटू ही है, इसको हम कस्टमाइज़ किए हुए हैं एकदम मैक ओएस की तरह। अगर आपको जानना है कि कैसे किए हैं तो बेसिकली आप मेरे यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख सकते हैं, इसका देख सकते हैं डिटेल में, ये उबुंटू 18.10 है। लेकिन अगर आप मतलब एग्जैक्टली देखना चाहते हैं कि कैसे किए हैं तो यूट्यूब पर ट्यूटोरियल होगा, जाकर देख लीजिए, मतलब मेरे ही चैनल पे। वैसे भी और भी बहुत सारे चैनल पे होगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होगा और इंग्लिश में, हिंदी में तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए बता रहे हैं कि उबुंटू पे वैसे भी कौन, बहुत कम लोग वीडियो बनाता है, जनरली जो बनाते हैं वो फॉरनर्स होते हैं, या इंडिया में बहुत कम बनता है उबुंटू पे वीडियो, तो इसलिए बोले। और हम भी उस कम आदमी में से एक है। तो कहें कि आपको फ्रेश इंस्टॉल करने के लिए आपको विंडोज 10 का आईओएस चाहिए और उबुंटू का आईओएस चाहिए। अगर आप पूरा चीज डिलीट ही कर रहे हैं विंडोज इंस्टॉल करने के चक्कर में, तो आप ड्यूअल बूट कर लीजिए, उबुंटू भी रखिए, वो भी रखिए। तो आपको करना यह है कि विंडोज का आईओएस डाउनलोड करना है, जैसे कि विंडोज का आईओएस डाउनलोड करने के लिए आप टाइप कीजिए विंडोज 10, आपको पता होगा फ्री हो चुका है, आप कोई भी डाउनलोड कर सकता है। विंडोज 10 डाउनलोड करने के लिए एक बात याद रखिए, कंटिन्यूस 1 MBPS का स्पीड होना चाहिए। अगर आप में नहीं है तो बेसिकली होगा यह कि बीच में जो फेल हो जाता है विंडोज 10 का जो है डाउनलोड, आपको पता होना चाहिए ये 4 GB का फाइल है विंडोज 10, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और विंडो उबुंटू जो है सो 2 GB का फाइल है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है सो उसका डिस्क इमेज ISO फाइल डाउनलोड करते समय जो है सो याद रखिएगा कि मतलब क्या कहते हैं, क्या बोल रहे थे यार, जो भी हो, तो आपको टाइप करना है विंडोज 10, समझ गए, सर्च बार में, उसके बाद सबसे ऊपर में आएगा डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज। याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड कीजिएगा, कोई अदर साइट से अगर आप डाउनलोड करने का कोशिश कीजिएगा तो पायरेटेड हो सकता है वायरस हो जाए, हो सकता है स्लो डाउन हो सकता है उसमें बहुत सारा एडिट किया गया होगा, आपको ट्रैक किया, कुछ भी हो सकता है। देखिए विंडोज 10 फ्री हो चुका है, तो ऑब्वियसली आपको अगर मतलब फ्रीली आप चला सकते हैं बिना कोई रुकावट के। आपको अगर आप कस्टमाइज करना है विंडोज 10 को, तो उसके लिए आपको जो है सो बेसिकली पैसा देना पड़ेगा, आपको खरीदना पड़ेगा विंडोज 10। नहीं तो अगर आप नॉर्मल यूज करना चाहते हैं, नॉर्मल यूज क्या, सब यूज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप जो है सो कर सकते हैं, सिवाय आपको कस्टमाइज नहीं करिएगा, जैसे टास्क मैनेजर इधर उधर विंडोज कस्टमाइज, तो कस्टमाइज या पर्सनलाइज या जो ट्वीक सब जो होता है वो सब नहीं कर पाइएगा, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी चीज सब आप कर सकते हैं, आप कुछ भी रन कर सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं, जो मन कर सकते हैं, हम तो किए हैं ड्यूअल बूट में। तो बेसिकली आपको करना ये है कि देखिए विंडोज 10 टाइप के, तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करना है। सबसे ऊपर में आ गया डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज ISO फाइल, इसको खुलने देते हैं। अरे यार पता नहीं, मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है सो ख़त्म हो गया है, तो इसलिए जो है स्लो काम कर रहा है। वैसे हम पॉज कर देते हैं इस वीडियो को, जब शुरू हो जाएगा, जब लोड हो जाएगा। हाँ तो हो चुका है, उसके बाद आपको जब ये पेज खुल जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे है, ये क्या है, बिफोर यू बिगेन, अरे ये कुछ इंस्ट्रक्शन है आप में इंस्टॉल करने का, वो जो है सो आप ध्यान रखिएगा, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं।
तो आपको सीधे यहाँ आना है, विंडोज सेलेक्ट एडिशन है, तो अपडेट जो है सो एकदम लेटेस्ट रखिएगा, मई का अपडेट, जैसे मेरे केस में मई का है तो लेटेस्ट अपडेट ही रखिएगा, उसके बाद कंफर्म कर दीजिएगा, उसके बाद वैलिडेटिंग योर रिक्वेस्ट आ रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो मेरे केस में इंग्लिश होगा, हम इंग्लिश इंटरनेशनल करेंगे ना कि इंग्लिश, उसके बाद कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा चल रहा है, जो भी चल रहा है चलने दीजिए। उसके बाद आ गया 32 बिट या 64 बिट। अब बात आता है कि आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट। तो आपको अगर आप उबुंटू का लेटेस्ट वर्जन 60, जनरली जो लैपटॉप्स आते हैं उबुंटू के उसमें 16.4 होता है, ठीक है, तो लेकिन मेरे पास अभी 18.10 है, उसके बाद 16.4 के बाद 18.4 आता है, उसके बाद 18.16, तो मेरे पास 18.16 है, तो 18.16 में बेसिकली ऊपर में राइट क्लिक कीजिएगा, जीनोम डेस्कटॉप में है अगर आप, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यूनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, जो 16.10 है ना उसमें यूनिटी डेस्कटॉप है, ठीक है, और हम जीनोम की बात कर रहे हैं। तो कैसे भी करके इस पेज पे जाना है आपको यूनिटी में, और यहाँ पे देखिए ओएस टाइप लिखा हुआ है मेरे में 64 बिट, तो आपको देख लेना आपका 64 बिट है या 32 बिट, लेकिन जनरली जितने भी नए जो ओएस आता है सब 64 बिट ही होता है, तो आप उस पे क्लिक कर देना है डाउनलोडिंग, और उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। हम ISO फाइल डाउनलोड नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको सिर्फ बता रहे हैं ये सब डाउनलोडिंग प्रोसीजर, ये सब तो ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, लेकिन हम कुछ नया बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है बूटेबल USB क्रिएट, तो बूटेबल USB क्रिएट करना है आपको, दो चीज़ डाउनलोड करना है, पहला तो विंडोज़ का ISO डाउनलोड करना है, हम एक चीज़ बताना भूल गए, उसके बाद उबुंटू का, अगर आप ड्यूअल बूट करना चाहते हैं तो उबुंटू का डाउनलोड करना है, तो उबुंटू के लिए उबुंटू टाइप कीजिए गूगल पे, और उसके ऑफिशियल साइट पे जाना है, ऑफिशियल साइट कौन, ये उबुंटू.com आ गया, उबुंटू.com सबसे फर्स्ट में ही आ गया, तो उस पर आप चले जाइएगा कनोनिकल ग्रुप LTD करके जो भी है, तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन है, तो उस ऊपर वाले इस पर नहीं, डाउनलोड द वाइट पेपर नहीं क्लिक कीजिएगा, ऊपर में जो डाउनलोड का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो जब डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा आपका, तो बेसिकली यहाँ पे है उबुंटू डेस्कटॉप है, उबुंटू सर्वर है, उबुंटू फॉर IoT है, उबुंटू क्लाउड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली डेस्कटॉप चाहिए ना, अगर आप सर्वर बनाना चाहते हैं बहुत बड़ा तो उसके लिए ये वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा 18.4, नहीं तो आप उबुंटू डेस्कटॉप है तो या तो Ubuntu.18.4 डाउनलोड कीजिए LTS या 16.19.4 डाउनलोड कीजिए, तो मेरे केस में हम 18.4 इंस्टॉल किए, 18.4 है, हाँ 18.10 पे अपडेट कर दिए हुए हैं 18.4 से, तो कहने का मतलब कि आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं 18.4 या 19.4 जो भी है, उसके बाद आप डाउनलोड कीजिएगा। तो बेसिकली उसके बाद मेन पॉइंट आ जाता है USB बूटेबल ड्राइव का, जो कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि आप OS जो है अपने सिस्टम में डालेंगे। तो बेसिकली हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल USB बनाने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो आप उबुंटू भी डाउनलोड किए हैं अभी, और अभी आप बेसिकली क्या कहते हैं विंडोज़ भी डाउनलोड किए हैं, ठीक है। तो विंडोज़ का बूटेबल, उबुंटू का बूटेबल USB बनाने के लिए यहाँ पे सर्च बार पे टाइप कीजिए, आपका जो भी सर्च बार आए, आपके यूनिटी में अलग होगा या फिर उबुंटू का जो जीनोम डेस्कटॉप है उसमें अलग होगा, कोई भी डेस्कटॉप है, आपको खोजना है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है, क्या नाम है, स्टार्टअप, हाँ स्टार्टअप डिस्क क्रिएटर, ठीक है, स्टार्टअप डिस्क क्रिएटर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये एक टूल है जिससे कि आप अपना उबुंटू का ब्यूटेबल ड्राइव उबुंटू से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली आप एक बात याद रखिए, आप चूंकि जो है सो विंडोज 10 भी इंस्टॉल कर रहे हैं और उबुंटू भी, तो बेसिकली बेहतर यही रहेगा कि आप जो है मतलब दो पेन ड्राइव कहीं से ले आएँ, 2 GB 8-8 GB मिनिमम जो है सो पेन ड्राइव, क्योंकि 4 GB का तो वो है ही विंडोज़, 4 GB से ज़्यादा का है विंडोज़, 4 GB तो इंस्टॉलेशन फायर है, जब उसको एक्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ज़्यादा बन जाता है, तो इसलिए आप कम से कम 8 GB का जो है सो पेन ड्राइव कहीं से ले आइए दो, और अगर आपके पास एक ही पेन ड्राइव है तो भी काम चला लीजिए। पहले जो है सो आप विंडोज़ उसमें क्या कहते हैं कब बूटेबल बनाइए, जब विंडोज़ का बन जाए तो विंडोज़ का पूरा सेटअप कर लीजिए, फिर विंडोज़ से जो है सो उबुंटू का बूटेबल ड्राइव बना दीजिए, ठीक है। तो हम विंडोज़ से कैसे उबुंटू का, ये सब ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं, देखिए सर्च कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप रिसर्च कीजिएगा उतना अच्छा है, ये वीडियो सिर्फ गाइड है,
आपको पूरी तरीके से सब चीज़ प्रोसीजर नहीं बताएगा, आपको प्रोसीजर सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको उबुंटू से उबुंटू का बनाना है, आप मान लीजिए आपके पास दो दो क्या कहते हैं पेन ड्राइव है, तो आप यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट कीजिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ऊपर में यहाँ जो क्या कहते हैं ISO आ जाएगा, जनरली अपने आप आ जाएगा अगर आपके डाउनलोड फोल्डर में है तो, और नहीं तो अदर पे क्लिक कर दीजिए और उसको लोकेट कर दीजिए कहाँ पे ISO हम डाउनलोड नहीं किए तो हम नहीं। उसके बाद डिवाइस जो है यहाँ पे अपने आप आ जाएगा पेन ड्राइव, ठीक है। अगर आपका पेन ड्राइव पहले से ही बूटेबल है किसी और में तो उसको जो है सो फॉर्मेट करना पड़ेगा, मतलब वैसे जनरली आप जो पेन ड्राइव यूज कीजिएगा वो FAT32 या EXE ऐसे करके किसी जो है सो वो होता है और सिंगल पार्टीशन होता है, तो कहने का होता है उतना डिटेल में मत जाइए, जनरली यहाँ पे USB ड्राइव आ जाएगा। लेकिन अगर आपका मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट किए हुए हैं एक ही USB ड्राइव, मतलब पहले से वो बूटेबल ड्राइव है, तो उसको फॉर्मेट करने के लिए आप यहाँ पे डिस्क टाइप कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आया डिस्क करके, और वो जो बेसिकली वो जो पेन ड्राइव होगा यहाँ पे शो कर देगा, जैसे मेरा हार्ड डिस्क शो कर रहा है, तो उसको ऑप्शन पे यहाँ पे जो ये जो वाला देख रहे हैं सेटिंग ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे होगा क्या कहते हैं डिलीट पार्टीशन, फॉर्मेट पार्टीशन, हाँ तो फॉर्मेट पार्टीशन पे क्लिक कीजिए और सबको फॉर्मेट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो खाली स्पेस बचेगा वो अपने आप यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ISO को ऐसे अदर पे क्लिक करके जो है सो ला दीजिए, उसके बाद मेक स्टार्टअप डिस्क, तो ये उबुंटू का डिस्क बन गया, ठीक है। और उसके बाद अब विंडोज़ का बात करते हैं, विंडोज़ का कैसे जो है सो मतलब बूटेबल डिस्क बनाएंगे। तो बेसिकली आप विंडोज़ का अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो वो जो डिस्क वाला जो अभी बताए थे उससे भी आप जो है सो क्रिएट कर सकते हैं, हमको जहाँ तक याद है क्योंकि बहुत दिन हो चुका है ये सब काम किए हुए तो याद नहीं है। तो बेसिकली आपका जो भी पार्टीशन, मतलब कहने का मतलब जो भी ड्राइव है उसको सेलेक्ट कीजिए, कंप्लीट को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मेरे केस में ये है। उसके बाद ऊपर में राइट कॉर्नर पे तीन डॉट है, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा तो उसमें आ जाएगा रिस्टोर डिस्क इमेज, जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको रिस्टोर डिस्क इमेज, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ISO फाइल है जहाँ पे विंडोज़ का उसको अति कर दीजिएगा, और उसके बाद जो है सो स्टार्ट रिस्टोरिंग पे क्लिक कर दीजिएगा, तो अपने आप बूटेबल बन जाएगा आपके पास दो, और एक तो विंडोज़ का एक उबुंटू का, नहीं तो आप जो है सो जैसे पहले बताएं ना, पहले हम उबुंटू का बताएं तो आप पहले विंडोज़ का बना लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास सिंगल पेन ड्राइव है तो जब ये हो जाए तो इसके आगे का प्रोसीजर हम आप ध्यान से सुनिएगा कि हाँ। तो बेसिकली जब आपका प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है कि जैसे आप नॉर्मल पार्टीशन जब मतलब जब बूटेबल बना लिए तो पहले आप इंटर कीजिए, मतलब किसका पेन ड्राइव, चलिए हम इसको हम प्रोसीजर बता ही देते हैं। बेसिकली आप उसके बाद शट डाउन कर देना है आपको सिस्टम को, हम रिकॉर्डिंग बंद करके शट डाउन कर देते हैं। हाँ तो जब आपका मतलब सिस्टम जो है सो जब मतलब शट डाउन हो जाए तो उसके बाद पावर बटन दबाइए। देखिए यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बेसिकली यहाँ पे BIOS में जाना है, ठीक है। तो BIOS सेटिंग में जाने के लिए हर एक लैपटॉप का अलग अलग होता है कि अगर आपको जानना है कि आपके क्या कहते हैं आपके लैपटॉप का BIOS की कौन सा है तो आप इंटरनेट पे सर्च मार सकते हैं, मिल जाएगा आपको। तो मेरे केस में मेरा लैपटॉप है डेल, देख सकते हैं, तो डेल लैपटॉप का जो है सो BIOS की है F12। तो बेसिकली हम पावर ऑन बटन दबाएँ, उसके बाद आपको F12 की दबाते रहना है, दबाते रहना है, दबाते रहना है, दबाते रहना है जब तक कि कुछ और आ ना जाए। एक BIOS मेनू, देखिए मेरे पासवर्ड लगा हुआ है तो हम पासवर्ड डाल देंगे, हम BIOS में पासवर्ड लगा के रखे हैं क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है अगर कभी गुम भी हो गया तो किसी का मजाल नहीं है कि जो है उसको फॉर्मेट करके कोई यूज़ कर पाएगा, समझ गए, तो इसलिए तो उसके बाद F12 हम दबा रहे हैं, देखिए F12 दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, देखिए आ गया ना। तो ये देखिए यहाँ पे बेसिकली लीगेसी बूट ऑप्शन है, जो भी है यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे आपको जाना है BIOS सेटअप पे, आप उतना नहीं ध्यान दीजिए, आपको सीधे BIOS सेटअप पे जाना है, BIOS सेटअप साला खुल ले यार, खुल गया सिम, हाँ खुल गया, तो फोकस हाँ फोकस, तो BIOS सेटअप आ गया। यहाँ पे आपको जनरल में जाना है, जनरल में BIOS सिक्वेंस में जाना है, मेरा थोड़ा क्या कहते हैं लॉक्ड है, बोलना हर जगह हम पासवर्ड लगा के रखते हैं तो उसको थोड़ा अनलॉक कर लेते हैं, आप में नहीं होगा लॉक, अगर आप में लॉक्ड होगा तो आप इतने काबिल होंगे कि ये काम खुद से कर सकते हैं सिंपल सा लॉजिक है। तो
कहने का मतलब यहाँ पे दो बूट लिस्ट, देखिए पहले का जो लैपटॉप से आता था या कंप्यूटर से आता था उसमें जनरली जो है सो दो तरीके का बूट ऑप्शन नहीं होता था। जनरली उसमें आप सीधे जो है सो फ्लैश ड्राइव इंसर्ट करते रहे, ऑप्शन दे जाता था, उसको सेलेक्ट करते थे, अपने आप बूट हो जाता था। लेकिन अब हो गया है कि दो तरीके का बूट ऑप्शन है, एक लीगेसी होता है और एक UEFI होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, पता नहीं इसका क्या काम है एग्जैक्टली, लेकिन हाँ होता है दो। तो आपको यहाँ पर जो है लीगेसी सेलेक्ट करना है, लीगेसी और सबको अनचेक कर देना है सिवाय USB स्टोरेज को, ठीक है, और उसके बाद रिबूट कीजिएगा तो जो है सो उस ड्राइव से बूट करेगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अगर ऐसा में मान लीजिए आपका फिर भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लोड ले रहा है, तो मान लीजिए समझ जाइए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लीगेसी से काम नहीं करेगा, वो UEFI से काम करेगा। तो UEFI पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे बूट सीक्वेंस में बहुत सारा बूट सीक्वेंस होगा आप में, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट होगा यहाँ पे बहुत सारा होगा, मेरे में कुछ नहीं है क्योंकि हम सबको डिलीट करके रखे हुए, ठीक है, हम जनरली लीगेसी यूज करते हैं। और लीगेसी से यहाँ पे इंटरनल हार्ड डिस्क पे टिक है, मतलब इंटरनल हार्ड डिस्क से जो है सो बूट होगा, ठीक है। और आपको UEFI पे जाना है, और UEFI अगर आपका UEFI यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है तो आपको बेसिकली जाना यहाँ पे है एडवांस ऑप्शन में, यहाँ पे इनेबल लीगेसी ऑप्शन रोम जो भी है इसको करना है। और एक और चीज़ था, एक और था बेसिकली आपको एडवांस जो एक होता है सिक्योर बूट, हाँ ये रहा सिक्योर बूट, देख सकते हैं सिक्योर बूट, तो इसको सिक्योर बूट को डिजेबल कर देना है, ठीक है, डिजेबल कर देना है, इनेबल होता है, सिक्योर बूट को डिजेबल कर देना है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आपका ये जो है बूट सीक्वेंस जो है सो UEFI आ जाएगा, ठीक है, UEFI आ जाएगा। और तो UEFI आ जाएगा तो उसके बाद जो है सो बेसिकली क्या बोलते हैं यार, UEFI को सेलेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो जितना भी आपका जो हो मतलब हार्ड डिस्क हो ये सब हो सबको अनचेक कर देना, ठीक है, सिवाय एक चीज़ को चेक रखना है, वो है रिमूवल। आप उस समय पेन ड्राइव लगा होना चाहिए आपके अथी में कंप्यूटर में, या फिर आपका कार्ड रीडर जो भी है SD कार्ड वो लगा होना चाहिए, उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा, उसको चेक कर दीजिएगा, बाकी सबको आज चेक कर दीजिएगा, उसके बाद अप्लाई पे कर दीजिएगा, ठीक है, अप्लाई पे। अगर UEFI से नहीं हो रहा है तो लीगेसी से टाइप कीजिएगा, लीगेसी में आप सबको अनचेक कर दीजिएगा, मेरे इंटरनल हार्ड डिस्क चेक है उसको अनचेक कर दीजिएगा और USB स्टोरेज कर दीजिएगा। और अगर लीगेसी से मतलब हो गया तो ठीक है, नहीं तो UEFI किसी न किसी में से काम करेगा, प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम अपना अलग अलग यूज करता है तो उसी हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप वैसे तो फर्स्ट टाइम में आप UEFI ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जनरली जो है सो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सो UEFI ही यूज करता है, तो जो भी हो। तो उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा और एग्ज़िट कीजिएगा, और अप्लाई पे क्लिक करने का एग्ज़िट, उसके बाद रिबूट होगा, उसके बाद आपके पिन ड्राइव से बूट होगा, और या तो पिन ड्राइव से बूट होगा या मतलब पिन ड्राइव से बूट होगा क्योंकि आप बाकी सब अनचेक करके रखे हुए हैं, तो पिन ड्राइव से ही बूट होगा, ठीक है। तो हम अपने केस में पेन ड्राइव UEFI से, रुकिए पेन ड्राइव हम नहीं लगाए हुए, लगाते हैं, उसके बाद सिस्टम बेसिकली रिबूट करना है, तो एग्जिट कीजिएगा तो अपने आप रिबूट हो जाता है, तो मेरा रिबूट हो रहा है, पासवर्ड डाल रहे हैं, हो गया पासवर्ड, एंटर मार दिया, F12 तो इस केस में नहीं दबाना है ना, वैसे F12 दबा दिए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे UEFI बूट में आ गया, UEFI जेनेटिक मास्टर स्टोरेज 1.1 पार्टीशन 1 पार्टीशन 2, इसमें दो पार्टीशन है पता नहीं क्यों, तो इसमें से कोई एक पार्टीशन विंडोज़ का है, दूसरा पार्टीशन वो है। तो हम बेसिकली लीगेसी बूट ऑप्शन में ही USB ड्राइव एक बार मार के देखते हैं, अगर इसमें ना काम करे तो इसमें काम करेगा, दोनों में से किसी एक में ज़रूर काम करेगा F12 दबाने के बाद, तो इसमें हम एक बार ट्राई मारते हैं, हाँ ले लिया, आ गया विंडोज। देखिए अब असली प्रॉब्लम शुरू होगा, देखिए बेसिकली होता यह है कि जब आपका क्या बोलते हैं उसको, आपका जो उबुंटू होता है ना, वो उसका फाइल सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि आपको जो है मतलब बेसिकली आपको जो है सो नहीं इंस्टॉल कर पाइएगा विंडोज़ में,
तो आपको जो है सो विंडोज़ में जो है सो कंप्लीट पार्टीशन फॉर्मेट करना पड़ेगा। और इसके आगे का प्रोसीजर जो है ना वो बड़ा ही आसान है, इसके आगे का प्रोसीजर आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसके आगे का प्रोसीजर आपको कहीं बेसिकली इस विंडोज पे है ना, इस विंडो पे कमांड प्रॉम्प्ट लाना पड़ता है। पता नहीं कैसे कमांड प्रॉम्प्ट लाते हैं, Alt+U क्या करते हैं नहीं पता हमको, हमको एग्जैक्टली कमांड अभी याद तो नहीं है, लेकिन उस कमांड से आपको जो है सो बेसिकली पार्टीशन जो है सो डिस्क का पूरा क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, आप अपने उबुंटू सिस्टम से खुद को क्लीन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो उस से रन कर रहा होता है, तो उसको आप क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो है सो ना विंडो से ही यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट लाना पड़ेगा और मैनुअली टाइप कर करके जो है सो पूरा क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्लीन करने के बाद ये कैसे करना है तो आप जो है सो मतलब ये कैसे करना है तो आपको जो है सो बेसिकली डिस्क पार्ट जो होता है उससे क्लीन करते हैं। तो बेसिकली जो है सो आप जो है सो क्या कहते हैं सर्च मारिए इंटरनेट पे कि जो है सो मतलब क्या बोलते हैं यार हम भूल जाते हैं हमारे कि जो है सो इंस्टॉलेशन के समय विंडोज 10 को कैसे क्लीन अप करते हैं डिस्क को। ठीक है, तो आ जाएगा और उसको क्लीन कर दीजिएगा पूरा डिस्क, उसके बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन जो है सो मतलब ले लेगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन बड़ा ही आसान है, सेलेक्ट करना है, उसके बाद पूरा पार्टीशन जो है जितना पार्टीशन डिसाइड करना होगा, उसके बाद का प्रोसीजर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। हम ये वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि बहुत लोग को जो है सो पार्टीशन क्रिएट करने में ही दिक्कत हो रहा था, क्रिएट ही नहीं हो रहा था। तो बेसिकली पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है इसका मेन पॉइंट है कि पूरा का पूरा डिस्क क्लीन अप कर देना पड़ेगा, पूरा का पूरा पार्टीशन हटा देना पड़ेगा। वो यहाँ इसी विंडोज से होता है। ठीक है, इसी जगह पे वो काम होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। जब ये हो जाए ना तो उसके बाद आपका बेसिकली विंडोज 10 जो है सो जितना आपको उस पार्टीशन मतलब एक पार्टीशन बनाएगा जितना आपको स्पेस देना, उसके बाद आप कोई और भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं। मतलब कोई यहाँ तक आप समझ गए तो आगे का कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं किसी और यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो बेसिकली आपको जो है सो पूरा का पूरा अरे यार भूल जाते हैं बार भूलने का आदत है, तो आपको मतलब इंस्टॉल करना है। उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाए तो बेसिकली आपको एक पार्टीशन तो क्रिएट कर लिए, मतलब विंडोज़ का दूसरे बेसिकली ऑटोमेटिक जो है दो पार्टीशन क्रिएट होता है, एक सिस्टम रिजर्व और एक सी ड्राइव। तो सिस्टम रिजर्व हिडन होता है, सी ड्राइव जो है ओपन होता है, सबको दिखता है। तो वो जब पार्टीशन क्रिएट मतलब जो विंडोज से इंस्टॉल हो जाता है, विंडोज 10 को इंस्टॉल रहने दीजिए, उसके बाद उबुंटू का पेन ड्राइव डालिए। ठीक है, या अगर आपके पास सिंगल पेन ड्राइव था तो विंडोज 10 को ऑन कीजिए और उसके बाद जो है सो उबुंटू को जो है सो उसी पेन ड्राइव को उबुंटू का जो ISO था उसको फॉर्मेट करके उसमें डालिए। ठीक है, या जनरली कोशिश कीजिए दो पेन ड्राइव हो, तो उसके बाद उसको बूटेबल बनाइए और उसको बूट कीजिए। ठीक है, उसको जब इंस्टॉलेशन पे लाइएगा ना तो वहाँ पे एक इंस्टॉलेशन का ऑप्शन देगा कुछ सेलेक्ट करने के बाद कि मतलब ऑप्शन देगा, उसमें ऑप्शन में से एक में होगा लिखा होगा कि इसमें ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और आप क्या जो है सो उसको ड्यूअल बूट में रखना चाहते हैं, मतलब कहने दोनों को रखना चाहते हैं, तो ग्रब इंस्टॉल करेगा। ग्रब एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली जो उसी डिस्क में बैठता है, वो सॉफ्टवेयर जो होता है बेसिकली क्या करता है कि जब आप बूट करते हैं ना हार्ड ड्राइव से, तो बेसिकली हार्ड ड्राइव से जो हार्ड ड्राइव को बूट करता है, तो हार्ड ड्राइव जो है उसमें एक फाइल होता है ग्रब जो लोड होता है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता है, वो लोड होगा और वो डिसाइड करेगा कि मतलब आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना चाहते हैं। तो उससे आप ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करके एक टाइम पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कर पाइएगा, समझ गए। तो बेसिकली यही है, उसके बाद आपका जो है सो उबुंटू भी इंस्टॉल हो जाएगा और विंडोज़ भी इंस्टॉल हो जाएगा बड़ा ही ईजिली। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त करते हैं। इस ट्यूटोरियल में मेन मकसद यही था कि मतलब जो नॉर्मल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो नेट पे है वो बेसिकली जो है सो काम नहीं करता है। इसका रीज़न होता है कि एक बीच में जो है वो फाइल सिस्टम अलग होने की वजह से जो है सो नहीं होता था। उसका सॉल्यूशन यही है कि आप पूरा का पूरा डिस्क फॉर्मेट करें इसी स्क्रीन पे। तो आप बाकी का जो है सो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो है इंटरनेट पे ढूंढ लीजिए, और ये सब काम थोड़ा रिस्की है। मतलब रिस्की क्या कहें, उसमें आप पूरा फाइल डिलीट कर रहे हैं तो रिस्क क्या होगा। तो कहने का मतलब कि आप जो है सो मतलब आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए, और अगर आप करने में कामयाब हो गए तो आपका मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यही ट्यूटोरियल यहीं अंत करते हैं, बाकी का ट्यूटोरियल आप जो है सो यूट्यूब पे देख सकते हैं किसी और चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।